हिमाचल प्रदेश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी भी नहीं मिल पा रही। अब राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल में कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन दिया जाएगा, जबकि 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। ये फैसला ब्याज की राशि बचाने के लिए किया गया है। ये जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने सदन में दी। सीएम ने बताया कि इससे हर महीने 3 करोड़ रुपए बचेंगे। आर्थिक संकट को नियंत्रण करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग है उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की 1 तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते। कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ 1 तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते वो बनता है 3 करोड़। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत थी। उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम RBI को क्यों दें, ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है। तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की EMI होती है, बच्चों की फीस होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो ट्रेजरी है वो खाली ना हो और अगले महीने उनको पहले से ही सैलरी मिलने का प्रबंध किया जाएगा, ये हम कोशिश करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार के इन हथकंडों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा हिमाचल प्रदेश क्या आर्थिक संकट से उभर पाएगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।